थोड़े ही वक्त पहले जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था तो हम सब अपने अपने घर में कैद हो गए थे और घर के अंदर ही बैठे बैठे हम सब बहुत ज्यादा ही बोर हो गए थे। हम सब सोचते थे इससे तो हमें जंगल में छोड़ देते तो अच्छा होता, क्योंकि एक घर के अंदर तो हम बिल्कुल बंद नहीं रह सकते थे। लेकिन सच में तो हम घर में सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं, हमारे पास घर में सारी सुविधाएं भी होती है और जंगल में रहने से तो ये काफी गुना ज्यादा कंफर्टेबल है। जरा सोचिए, अगर आपको कहा जाए कि आज के बाद आपको हमेशा के लिए जंगल में ही रहना होगा तो आपका क्या हाल होगा? कुछ लोगों के लिए तो ये सवाल ही बहुत भारी होगा और शायद कुछ लोग तो ये भी बोल देंगे कि इससे तो अच्छा है हम खुदकुशी ही कर ले, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जंगल में रहना बिल्कुल अच्छा विचार नहीं है। ना ही पानी वहां पर नल में आता है, ना ही खाना पकाने के लिए आपको कोई गैस की सुविधा मिलती है और ना ही आपको बिजली मिलती है। लेकिन इस वीडियो में आप एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जो पिछले 40 साल से अकेला ही जंगल में रहता है और अब इस इंसान को टार्जन नाम भी मिल चुका है। और अब मजे की बात बताता हूँ, आपको पता है ये इंसान इस जंगल में क्यों रहता है? दरअसल 40 साल पहले वियतनाम में एक जंग छिड़ चुकी थी, बहुत ही दंगे हो रहे थे। तब इस इंसान के पापा इसको लेके जंगल में भाग आए थे। कुछ समय के बाद वो तो शहर में वापस चले गए, लेकिन ये बंदा जंगल में अकेला रह गया। अब इसने खुद कहीं और जाने का सोचा भी नहीं और इसको ये भी लग रहा था कि शहर में दंगे अब भी चालू होंगे। लेकिन इस इंसान की स्माइल तो देखो, जैसे इसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं और बहुत ही अच्छे से जी रहा है। पेश है उनके साथ की हुई कुछ गुफ्तगू। आपको आज तक इस जंगल में कितने लोग दिखे? पांच लोग, बहुत दूर से। फिर तुमने क्या किया? मैं भागा और छुप गया। क्यों छुप गए? लोग मुझे मार सकते थे। तुमने कभी लाइट नहीं देखी? दूर से भी नहीं देखी? चांद देखा है। चांद क्या होता है? लोगों ने आसमान में लाइट लगाई है। और इंसान ने ये लाइट लगाई कैसे? कोई बड़े रस्से से लगाई होगी। लड़की क्या होती है पता है? मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं बताया इसके बारे में। ये इंसान इस तरह से जंगल के कोई भी जानवर को अपने सिकंजे में फंसाता है और इस तरह से आग जला के उसे पका के खाता है और कुछ यूं वो पेड़ों की टहनियां निकाल के उसमें से अपने कपड़े बनाता है जो इसने अभी पहने हुए है। आज तक वो कुछ इस तरह से ही पानी में अपना चेहरा देख सकता था, लेकिन आज जब इसको पहली बार आईना दिया गया तो उसका रिएक्शन कुछ यूं था। चाहे भले ही यहां पर शहर का शोर शराबा नहीं या शहर की टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन इसको देख के ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमने मुसीबतों का पहाड़ उठाया हुआ है और जिंदगी तो ये बंदा जी रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।